बच्चों, कैसा आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत पाठ दो आकरण टोले प्रथम कोष द्विवचन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उस समय हमने आधा पाठ पढ़ा था। अब इस पाठ को मैं पूरा पढ़ाऊंगी। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं सुनी और जिन बच्चों के पास बुक नहीं थी, तो अब मैं इस पाठ को पूरी शुरू से आप लोगों को समझाऊंगी। सभी बच्चे पाठ को बड़े ध्यान से सुनेंगे और एक बार संस्कृत वाक्य पढ़ूंगी, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद कराऊंगी। हिंदी अनुवाद जब मैं कराऊंगी तो आप लोग अपने बुक में उसे लिख लीजिएगा। तो पेज नंबर 70 प्रथम दोष द्विवचन तो। द्विवचन तो का मतलब है कि उससे पहले हमने एक वचन पढ़ा था ट्रोलिंग का एक वचन। एक वचन जो था प्रथम पुरुष का एक वचन वो था वह। अब हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष का द्विवचन तो वी दो। पेज नंबर 70 सहा रामा अस्ति वह राम है, सहा रमेश अस्ति वह रमेश है, रामा रमेश चा तत्र पठतः। राम और रमेश वहाँ पढ़ते हैं। तो पठता वे दो पढ़ते हैं। तो कदा पठता वे दो कब पढ़ते हैं। तो प्रातः पठता वे सुबह पढ़ते हैं। सा काका अस्ति वे कौवा है, तत्र शुका अपि अस्ति वहाँ तोता भी है। काका कृष्णः अस्ति कौवा काला है, शुका हरिता अस्ति तोता हरा है। काका शुका चा वदता कौवा और तोता बातें करते हैं। तो वदता वे दो बात करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे और सारे बच्चों ने ध्यान से सुन के उनका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। सहा मीना अस्ति, सहा मीना अस्ति वह मछली है। सहा मकर अस्ति वह मगरमच्छ है। मीना मकर चह तरत मछली और मगर तैरते हैं। तो तरता वे दो तैरते थे। तो कुत्र तरता वे कहाँ तैरते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आएगा, वे कहाँ तैरते थे। तो तत्र तरता यत्र कछाप अपि तरते वे वहाँ तैरते हैं जहाँ कछुआ भी तैरता है। तो तत्र तरता मतलब तो मतलब वे दो वहाँ तैरते है। यत्र मतलब जहाँ कछापा मतलब कछुआ अपि मतलब भी तैरते है। तरती जहाँ कछुआ भी तैरता है, तरती मतलब कछुए के लिए है, जहाँ कछुआ भी तैरता है। तो वे दो के साथ देखो वे दो तो तरत तरतहा मतलब तो के साथ तरतहा वे दो वहाँ तैरते हैं जहाँ कछापा मतलब कछुआ एक ही है। कछापा अपि तरती इसलिए तरती है क्योंकि वो एक है, एक वचन है, तरता एक ही है कछुआ, इसीलिए वो तरती का प्रयोग किया गया है। और वह दो के साथ तरता पठता वादता तब दो वचन दो लोगों के लिए बात करूँगे तो तापे विसर्ग है। और जब हम एक वचन एक लोग के लिए बात करते हैं प्रथम पुरुष के लिए तो तरती लिखती पढ़ती खादती
अब उसके आगे पेज नंबर 19, सह वानरा अस्ति, सह वानरा अस्ति, वह बंदर है, वानरा दूसरा अस्ति, वानर पूरा है, देखो वानरा घूसरा अस्ति, वानर पूरा है, मतलब उसका रंग बता रहे हैं, वानर भूरे रंग का है। सहा मयूरा अस्ति, वह मोर है, सहा मयूरा अस्ति, वह मोर है। मयूरा बहुवर्णा अस्ति, मयूर मोर रंग बिरंगा है, वह मोर है और मयूरा बहुवर्णा अस्ति, मोर रंग बिरंगा है। मयूर वानरः च खादता, मयूर और मोर और बंदर खाते हैं। है पे विसर्ग, क्योंकि दो लोगों के लिए बात किया है, मोर और बंदर खाते हैं, इसीलिए मयूरः वानरः चा का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और खादतः, खादता क्यों, क्योंकि दोनों के लिए प्रयोग है कि मोर और बंदर खाते हैं। अगर इधर होता वानरा बंदर खाता है, सिर्फ बंदर के लिए प्रयोग करते हैं बंदर खाता है तो क्या हो जाता, वानरा खादती। अगर सिर्फ मोर के लिए बोलते मोर खाता है तो मयूरा खादती, तो उसमें क्या आता, एक पुरुष है तो इसीलिए प्रथम पुरुष हो गया, यानी कि एक ही पुरुष है, प्रथम पुरुष है तो उसके लिए खादती, तो खादता, तो खादता, तो मतलब वे दो खाते हैं। मयूरा नृत्यति, मोर नाचता है, मयूरा नृत्यति, मोर नाचता है। किम वानरा अपि नृत्यति, प्रशंसित, किम का मतलब क्या वानरा बंदर, क्या बंदर अभी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था भी नृत्यति नाचता है, इसीलिए प्रश्न चिन्ह, क्योंकि किम का क्या आएगा, ना वानरा ना नृत्यति, नहीं ना से नहीं, बंदर नहीं नाचता है, नहीं बंदर नहीं नाचता है। सहा तू कुदरती, वह तो, यहाँ पर तू छोटा तू है, तू नहीं है, यहाँ पर तू है, तो तू का मतलब जो है संस्कृत में तू का मतलब क्या है, तो वह तो कूदता है या छलांग लगाता है, कुदरती मतलब छलांग लगाता, तो बंदर कूदता ही है या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है। बच्चों इस पैराग्राफ को एक बार मैं और दोहरा लेती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका हिंदी अनुवाद बुक के जो लाइन में पढ़ूँ उसी के नीचे लिखते रहिए। सहा वानरा अस्ति, सा मतलब वह बंदर है, वानरा दूसरा अस्ति, बंदर पूरा है, रंग है ब्राउन कलर का, पूरा मतलब ब्राउन। सहा मयूरा अस्ति, वह मोर है, मयूरा बहुवर्णा अस्ति, मोर रंग बिरंगा होता है या रंग बिरंगा है, अस्ति मतलब है। मयूरा वानरा च खादता, मोर और बंदर खाते हैं, तो खादता वे दो खाते हैं। मयूरा नृत्यति, मोर नाचता है। किम वानर अपि नृत्यति, क्या बंदर भी नाचता है। ना वानरः न नृत्यति, नहीं बंदर नहीं नाचता है। सहा तु कूदति, वह तो कूदता है या छलांग लगाता है। तो बच्चों इस पाठ को आपको पूरा पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके साथ साथ इनका हिंदी अनुवाद भी करना है, क्योंकि जब इसका एग्ज़ाम होगा तो मैं इनको कोई भी वाक्य आपको बीच में से संस्कृत का दिया जाएगा,
जिससे आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। वैसे तो एक्सरसाइज नहीं दिया पर बीच में से भी आ सकता है, इसीलिए आपको हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको आपको अच्छे से इसके पढ़ पढ़ के संस्कृत के साथ पढ़ पढ़ के इसका आपको हिंदी अनुवाद भी करना है। और अगली कक्षा में हम एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर 20 और 21 पे है। तो आपका घर कर यही है किताब में से जो भी पार्ट है उसको पढ़े और इसका हिंदी अनुवाद किताब में ही करना है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।